राधे राधे, हर हर महादेव। आप देख सकते हैं हम लोग क्या दिखा रहे हैं, एक चमत्कार। तो दोस्तों, ये मेरा है फर्स्ट ब्लॉग, और आप सब मेरे फर्स्ट ब्लॉग को जितना से जितना शेयर करेंगे, आप सबको बहुत चमत्कार मिलने वाला है इसमें। और पूरी वीडियो देखना ना भूले, और देखिए इसमें क्या चमत्कार हो रहा है, मैं आगे सब कुछ बताई। वीडियो बीच में स्किप भी मत करिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आप सब महादेव से प्यार करते होंगे, आस्था रखते होंगे, तो हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आप भी मंदिर जाकर ऐसा करके देखें, आप भी भोग लगाएं और पुण्य के भागी बने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, ये वही जगह जहाँ कुछ दिन पहले स्थापना की गई थी भोलेनाथ की। और ये देखिए, बहुत अच्छा जग हुआ था, बहुत विशाल जग हुआ था। हम सब परिक्रमा करने जाते थे, पूजा करने, और सारे भगवान का यहाँ पे स्थापना की किया गया है, देख सकते हैं आप। और हम लोग आज मंदिर गए, सावन का चौथा सोमवार है, और नंदी जी और शिव जी, गणेश जी, पार्वती जी, सब कुछ आज अद्भुत अपनी चमत्कार दिखाए। सच बता रही हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, ना लोगों को विश्वास हो रहा था, लेकिन मैं अपनी आस्था से अपनी कोशिश की, और सच में भगवान जी मेरे हाथों से जल ग्रहण किए। चमत्कार टांग पर मंदिर में अपने पी रहे हैं भगवान जी, नंदी बाबा पी रहे हैं। देखिए दोबारा, सिर्फ चम्मच को वहीं पे रखिए, ऑटोमेटिक वो जल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और इस तरह से लोगों ने बहुत सारे जल भी लाए और दूध भी लाए कुछ लोग, और दूध भी पिला रहे थे हम लोग। तो बहुत अच्छा मुझे आज महसूस हुआ। तो ये चमत्कार देख सकते हैं आप कि यहाँ ही अजूबा हुआ, ये सबको बहुत अजूबा लग रहा था। मैंने सभी भगवानों को जल ग्रहण करवाया। कभी सपने में मैं सोचती थी कि ये कैसे होता है, लेकिन आज सचमुच ऐसा हुआ कि भगवान जी भी भोग लगाते हैं, जल ग्रहण करते हैं, स्नान करते हैं। लोग बस अपनी आस्था जगा के रखे, अपने विश्वास जगा के रखे, तो सच में ऐसा होता है, और आप देख सकते हैं। देखिए, मैं अभी शंकर जी को भी, महादेव को देखिए, सीधी चम्मच रखी हूँ, फिर भी ये जल ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। मैं सभी भगवानों को उन जल ग्रहण करवाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बहुत खुश हो रही थी, और मुझे लग रहा था मैं ऐसा करते रहूँ करते रहूँ। देखिए, पार्वती माता को भी मैंने जल ग्रहण करवाया। ये थोड़ा वीडियो दूर से बनाया गया, पर मैं वहाँ खुद थी, और जो जल पिला रही थी माता को, सच में माता ने जल ग्रहण किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। मेरी आस्था और बढ़ गई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। ये देखिए, एक छोटी सी बच्ची जल ग्रहण दूध पिला रही है। कुछ लोग को आस्था नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ लोग विश्वास कर रहे थे और खुद महसूस कर रहे थे कि ये सही हो रहा है। हम लोगों को तो लग रहा था कि हाँ ये सही है, क्योंकि सिर्फ चम्मच को हम लोग टच करवा रहे थे, और नंदी जी दूध ग्रहण कर रहे थे। बहुत बड़ी आस्था है, बहुत बड़ी विश्वास है, और भगवान को सच में भोग लगाना चाहिए। लोग तो अपना समय दे नहीं पाते हैं, देते नहीं हैं, और कहते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक सपोर्ट करेंगे मेरे लिए, उतना अच्छा होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है यहाँ से सपोर्ट मिलना। तो दोस्तों, आप सब महादेव को अगर मानते होंगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़रूर सब्सक्राइब करें।
आराम से अब पकाइएगा, खाली नहीं थोड़ा वेट करिए ना, देखें। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और लोग एक एक करके एक चम्मच से जल ग्रहण करवा रहे थे भगवान को। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, बच्चे बड़े बहुत सारे ले। आप सबको भी अपनी आस्था देखनी है तो ज़रूर जाए मंदिर और भगवान को जल ग्रहण करवाएं, दूध ग्रहण करवाएं। और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।